हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रमज़ान सीरीज़ है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन रोल। ये बड़े ही आसानी से बन जाते हैं, कम टाइम में बन जाते हैं और आप इसको डीप फ्रीज करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते महीनों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली हूँ, उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, जो ग्रीन चिल्ली पेस्ट है ना, उसमें मेरा कोथमीर और पुदीना भी पिसा हुआ है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम सॉस बनाएंगे, उसके लिए मैंने ली हूँ चीज़ स्प्रेड। ये आप दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, मैंने चीज़ स्प्रेड ली हूँ और यहाँ पे टोमेटो केचप ली हूँ और मेयोनीज ली हूँ और 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो ली हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही आसान सी सॉस हमारी बन के तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, उसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया, उसका पूरा पानी सुखा के ठंडा कर लिया। अब देखिए, उसे मैं ऐसे हाथ से मैश कर रही हूँ। हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करना है, मिक्सर ग्राइंडर में करने से ना बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। हमें ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस हाथ से हमें श्रेड करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, आपको वैसे ही करना है। देखिए, अब मेरा चिकन श्रेड होके रेडी हो चुका है, मेरी सॉस भी रेडी है। अब हम बना लेंगे आटे की लाई, मतलब मैदा या जो आटा है आपके पास, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम गम बना लेंगे, जिससे हमारी जो पट्टी है वो चिपक जाए। देखिए, ये जो है वो मैदे का हमने गम बना के तैयार रखा है। अब हम चलेंगे हमारा रोल बनाने की प्रोसेस में। ये जो रोल शीट आती है ना, मैंने उसे एक के ऊपर एक रख दिया था ताकि मुझे रोल करने में आसानी हो, आप देख सकते हैं। और मैं एक साथ ही सब पे गम लगा दूंगी, लाई जिसे कहते हैं कितने लोग। तो हम अब फिर देखिए इसे फिल करना शुरू करते हैं। मैं 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी और 1 से 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से उसके अंदर चिकन फिल करेंगे और इसे हम स्लोली स्लोली, ये मैं फर्स्ट रोल आपको एकदम स्लो करके बता रही हूँ ताकि आप भी देखें कि इसे रोल कैसे किया जाता है। ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे रोल बन के तैयार हो जाते हैं। और आप इसे बना के आप दावतों में भी रखिए, आपके मेहमान भी इसे बड़ा पसंद करेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे एयर फ्रायर में भी इसे बना सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी से मेरा रोल होके तैयार हो गया है। अब हम सारे रोल्स भी, सारी शीट्स के इसी तरह हम रोल्स बना लेंगे। ये बहुत बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये इतनी आसान है और उतनी ही मज़ेदार है। इसे बच्चे और बड़े दोनों भी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। मैंने जैसे तरीका आपको बताया है उसे आप वैसे बना के तैयार कीजिए। देखिए कितनी जल्दी से मेरे इतने सारे रोल बन के तैयार हो जा रहे हैं। मैंने जो मसाला प्रिपेयर किया था ना, तो उसके अंदर तकरीबन मेरे 20 रोल बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हमारा ऑयल या हमारा जब रोल प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो मैं थोड़े आधे रोल ही अभी फ्राई करूँगी और आधे रोल मैं बाद के लिए डीप फ्रीज करके रख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, तेल गरम होने के लिए रखेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम इसके अंदर हमारे रोल्स डाल देंगे और इसे फौरन नहीं हिलाना है। जब एक तरफ का लाइट गोल्डन ब्राउन होगा ना, तब हमें इसे धीरे धीरे से टर्न करना है। अगर आप फौरन टर्न करने के लिए ट्राई करोगे ना, तो ये शीट जो है ना वो फट भी सकती है और तेल शीट में जा सकता है। देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे मेरे रोल्स बनके तैयार है। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रमज़ान चल रहे हैं, हमें प्लीज़ दुआओं में अपनी याद रखिए। जज़ाकअल्लाह।